एक ऐसी जगह जहाँ पानी में पेड़ों के बड़े बड़े खंभे निकले हुए हैं, जो भी इसमें तैरता है उसे एक नई दुनिया का एहसास होता है। ये जगह है कजाकिस्तान की लेक कैंडी। दोस्तों, लेक कैंडी कजाकिस्तान की एक काफी फेमस टूरिस्ट प्लेस है। इस लेक में जब आप झांक कर देखेंगे तो इसके अंदर आपको एक पूरा जंगल दिखाई देगा और देखने में आपको ऐसा लग सकता है कि पानी में उल्टे पेड़ उगे हुए हैं। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि साल 1911 में यहाँ भयानक भूकंप आया था, जिसके बाद ये पूरा इलाका पानी से भर गया और पेड़ों से भरा एक जंगल भी पानी में डूब गया। लेक कैंडी की एक और खास बात यह है कि इसका पानी बहुत ठंडा है और ये पेड़ों के लिए एक फ्रिज जैसा काम करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम लेक का पानी काफी क्लियर होता है, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत नजर आता है। क्या आपको भी गर्म पानी से नहाना पसंद है? लेकिन ये बॉइलिंग लेक जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो किसी डरावने सपने से कम नहीं है। कैरेबियन आइलैंड के डोमिनिका रिपब्लिक में मौजूद बॉइलिंग लेक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी गर्म पानी की लेक है, जिसका टेम्परेचर 180 डिग्री से 197 डिग्री फारेनहाइट तक होता है। लगातार उबलते पानी के कारण तालाब के केंद्र का तापमान तो मापा भी नहीं जा सका है। हवा में मौजूद सल्फर और तालाब से निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से भी ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है। नेटोन लेक देखने में काफी खूबसूरत लगती है, शायद इसके रेडिश लुक की वजह से, पर इसकी खूबसूरती पर मत जाइएगा। ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आप स्विम करना चाहेंगे, क्योंकि इसका पानी बहुत ही सॉल्टी है और कास्टिक की मात्रा इतनी ज्यादा है जो किसी की भी स्किन को सीरियस डैमेज पहुंचा सकती है। और तो और, इसमें वो एलिमेंट भी पाया जाता है जो ज्वालामुखी की राख में होता है, जिससे मिस्रवासी ममीज को सेफ रखते थे और जिससे यहाँ मौजूद जानवर की डेड बॉडीज भी सेफ रहती हैं, और जो देखने में ऐसी लगती हैं जैसे लेक के पानी ने उन्हें पत्थर का बना दिया हो। अमेरिका का सबसे बड़ा और विश्व का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रैंड पैरिस्मैटिक हॉट स्प्रिंग यहाँ के येलोस्टोन नेशनल पार्क में है। स्विमिंग करना यहाँ सख्त मना है, क्यों? क्योंकि इसमें मौजूद पानी का तापमान हमेशा 160 डिग्री फारेनहाइट मतलब 71 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म रहता है, खास किस्म के बैक्टीरिया और मिनरल्स के चलते। इसके आसपास पीले चमकदार लाल और नारंगी रंग की झलक हमेशा मौजूद रहती है। इतना ज्यादा गर्म होने के कारण इसका पानी हमेशा स्टेबलाइज्ड रहता है। लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका और दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट लेक है लेक विक्टोरिया। इसके खराब मौसम की वजह से ये काफी खतरनाक लेक है। इसके कुछ हिस्से में काफी खराब मौसम होने की वजह से इसमें हर साल कई सौ लोग डूबकर मारे जाते हैं। लेक विक्टोरिया के अंदर कई खतरनाक और जानलेवा जीव रहते हैं। यहाँ पर खास तौर से घोंघे की एक ऐसी प्रजाति रहती है जिसकी वजह से सिस्टोसोमियासिस नाम की जानलेवा बीमारी हो जाती है। ऊपर से देखने पर तो ये झील आपको काफी आकर्षक लगेगी, पर मौत का फंदा दरअसल इसके नीचे है। यहाँ अचानक जोरदार लहरें उठती हैं और जो इंसान को किनारे से खींचकर ले जाती हैं। अमेरिका की सबसे बड़ी झीलों में से एक लेक मिशिगन जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी। ऐसा कहा जाता है इस झील के पास जानलेवा गैस का बादल छा गया था, जिसकी वजह से वहाँ मौजूद सारे जीव मारे गए थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि झील के नीचे एक ज्वालामुखी है, जिसकी वजह से समय समय पर भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती रहती है और जो हवा में मिलकर उसको काफी जहरीला बना देती है। किवू झील जो कांगो और रवांडा की सीमा पर स्थित है, इसे दुनिया की सबसे खतरनाक झीलों में गिने जाने के पीछे सबसे बड़ा रीजन इसके इर्द गिर्द होने वाले ज्वालामुखी विस्फोट है और इसकी सतह से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस गहराइयों से पानी को हटाते हुए सतह पर आ जाती है। इसके कारण वहाँ के लोगों पर इसका काफी बुरा असर पड़ता है। इस झील के पानी में मौजूद मीथेन गैस भी एक बड़ी चिंता का विषय बनी हुई है। मीथेन गैस जैसे ही पानी से ऊपर उठती है वो आग पकड़ लेती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये फोर्स इतना ज्यादा होता है कि सुनामी की नौबत भी आ सकती है। समय के साथ इस झील का पानी और भी जहरीला होता जा रहा है। अब तक हमने जितनी भी झीलों के बारे में बात की है उनमें से सबसे खतरनाक है कराची झील। ये झील पृथ्वी की सबसे प्रदूषित झील मानी जाती है। इसका अंदाजा लगाने के लिए इतना ही जानना काफी है कि यदि आप इसके किनारे पर एक घंटे के लिए भी खड़े हो जाएं, तो आपकी मौत निश्चित है। ये झील काफी समय से रेडियो एक्टिव कचरा फेंकने के लिए यूज की जाती रही है, इसी कारण वहाँ का रेडिएशन लेवल खतरे के निशान से भी ऊपर है। आपको बता दें कि सन 1990 में जब परमाणु पदार्थों की मात्रा यहाँ बढ़ने लगी तब इस क्षेत्र में कैंसर की घटनाओं में 21% का इजाफा हुआ था। वहीं ल्यूकेमिया की घटनाओं में 41% का इजाफा देखा गया था। अब इस झील को ठोस पदार्थों से भर दिया गया है जिससे कि रेडिएशन को कम किया जा सके। बावजूद इसके ये झील अब भी आपको बहुत बीमार करने की क्षमता रखती है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की कुछ सबसे खतरनाक झील। इनमें से कुछ झील तो ऐसी हैं जिनका सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि जिनके आसपास की हवा भी दूषित है। इन झीलों के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।